आप लोगों ने सुना होगा, मेंस आर मोर प्रोन टू डाई अर्ली, मींस कि जो आदमी है या मेन है वो वुमेन से पहले वो एक्सपायर होता है और उसकी डेथ होती है। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो आदमी होता है वो अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कंसर्न्ड नहीं रहता, जिसकी वजह से वो पहले प्रॉपरली उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, ध्यान नहीं रख पाता, जिसकी वजह से ये चांसेस हो सकते हैं। ये भी सच है कि आदमी जो होते हैं वो अपने डायग्नोसिस में डिले भी करते हैं और ये जो डिले है वो फेटल की तरफ बढ़ जाता है। एक सर्वे हुआ था क्लीवलैंड की तरफ से, क्लीवलैंड क्लिनिक की तरफ से, कि जो 40% ऑफ मेंस हैं वो अपना एनुअल चेकअप भी नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर हो जाते हैं, और सीवियर भी इतने हो जाते हैं विच कैन बी फेटल। अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा ज्यादा कंसर्न रहती है, अपने चेकअप्स में वो अपना प्रॉपर ध्यान भी रखती है, मगर मेंस ऐसा नहीं कर पाते। अब मैं आपके सामने आज 5-6 कुछ ऐसे इश्यूज आपको डिस्कस करूंगा कि हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए। कुछ भी आपको कुछ महसूस हो, 4-5 जो भी पॉइंट्स मैं आज बताऊंगा उन पे ध्यान देंगे तो उससे आपकी हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ने के चांसेस है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, अम्बाला सिटी। देखिए, जो पहला इश्यू है वो सबसे पहले आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नॉर्मली हम लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस का बढ़ना, कम हो जाना, या फिर सांस का ज्यादा काम करने से सांस का चढ़ जाना नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, मगर इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। कभी भी आपको सांस चढ़ता हो, इट माइट बी द कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये वार्निंग साइन भी हो सकता है हार्ट अटैक का, लंग्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे नॉर्मल से ज्यादा सांस चढ़ना शुरू हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। दूसरा, थकावट या फ्रीक्वेंट फेटिक, जिसके हम बोलते हैं कि थकावट बहुत, टायर्डनेस बहुत ज्यादा महसूस होने। नॉर्मली थकावट, जो भी हम एक्सेसिव काम करते हैं या नॉर्मल रूटीन में जो काम करते हैं उससे भी थकावट होती है, मगर अगर आपको जब भी लगे कि मुझे थकावट नॉर्मल से ज्यादा होनी शुरू हो गई है, मेरे लिए लेजीनेस स्लगिशनेस शुरू हो चुकी है, तो इसमें भी आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। इट माइट बी अ कॉज ऑफ अनडायग्नोस्ड डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। अगला कॉज है बाउल चेंजेस का। जब भी आपको नॉर्मली, क्या हर इंसान मॉर्निंग में एक बार जाता है फ्रेश होता है, बाउल चेंजेस नॉर्मल रहते हैं, मगर जब भी आपको थोड़ा सा भी महसूस हो कि मेरे बाउल चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको या आपके जो स्टूल्स हैं वो ब्लैक या उसके साथ ब्लड आ रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर विद इमीडिएट इफेक्ट। इट माइट बी अ कॉज ऑफ फिशर्स और हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करना है। उस अगला पॉइंट है कि आपको कई बार फ्रीक्वेंट थर्स्ट, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीने के बाद भी मुझे प्यास बार बार लगती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे बार बार यूरिनेशन जाना पड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसा कभी महसूस हो तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, नियर बाय डॉक्टर। इट माइट बी अनडायग्नोज्ड डायबिटीज ऑल्सो। ठीक है, लास्ट पॉइंट अगर जो मैं बोलूंगा जिस पे ध्यान देना पड़ेगा वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज अ बेसिक, अगर आप देखें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रहेगा। अगर आपको नॉर्मल, अगर होम रेमेडीज करने के बावजूद भी कब्ज में आराम नहीं आता है, तो आपको अपने डॉक्टर की कंसल्ट और उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर हम अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, हमारे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।